वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का शुभारंभ किया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, नवागत CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पांडे सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि क्षय रोग एक गंभीर बीमारी है, ये हम सभी के लिए चुनौती बनी हुई है। इसे हराने के लिए हमें सुनियोजित तरीके से कार्य योजना बनानी होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश को TB रोग से मुक्ति दिलाने के लिए 2 जनवरी से 12 जनवरी तक सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाया जाएगा और एक एक TB रोगी को खोज कर उसका इलाज किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश और देश को TB मुक्त बनाया जाएगा। वो हमारा थोड़ा पिछड़ गया, हालांकि हमने टुकड़ों में कुछ अभियान चलाए थे, लेकिन फिर भी जितना हर साल हम खोज पाते थे, जो एस्टिमेटेड संख्या रहती है क्षय रोग की, उसके हिसाब से इस वर्ष कार्य हमारा कम हुआ। मरीजों को जो छुपे हुए हैं, जिनकी जांच नहीं हो पा रही है, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको हम ढूंढ सकेंगे। हमारी टीमें घर घर जाएंगी और जो भी शहरी और ग्रामीण मरीज बस्तियां हैं वहाँ और जो भी हाई रिस्क ग्रुप है उनमें जाकर के हम उसको ढूंढ करके मरीजों को मिला देंगे और फिर उनके हम चिकित्सा की व्यवस्था करवाएंगे। आज जो आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मैडम, आप हमेशा ही आप क्षय रोग के प्रति आपका विशेष, जो रोगी है उनके प्रति आपका विशेष आपकी सहानुभूति रही है। आपकी प्रेरणा से जो 18 साल से छोटे उम्र के क्षय रोग के रोगी हैं, उनको कई परिवारों ने और संस्थाओं ने गोद भी लिया था, आपने ही वो अभियान शुरू करवाया था। तो इस अवसर पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ मैडम कि जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी उस पर हम खरे उतरेंगे। चलाया जा रहा है जिसका नाम है TB हारेगा देश जीतेगा अभियान। इस अभियान को 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है, प्रावधान किया गया है। समस्त क्षय रोगियों को उपचार की अवधि में ₹500 प्रति माह की दर से निक्षय पोषण योजना 177 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा वितरण किया जा सकता। हमने 1 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया था, उसमें एक्टिव केस फाइंडिंग हम लोगों ने प्रारंभ किया था, परंतु अभी हम लोग को और भी एक सब चीज की है और इसलिए आज भी हम इस एक्टिव केस फाइंडिंग का ये अभियान पुनः आपके नेतृत्व में प्रारंभ करने के लिए आपसे हम लोगों ने अनुरोध भी किया था। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में संपूर्ण लॉकडाउन के अवधि में भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 443 ऐसे 6 रोगी थे जो विभिन्न जगहों से आए थे, जिनका हमने पूरा उपचार भी किया, उनको लगातार दवाइयां भी प्रदान की और उसमें एक नेपाल के भी मरीज थे जिसको हमने उसी तरह का पूरा उपचार करने का उनको दवाइयां दिया। इससे हमारे 6 दरोड़ी औषधि उपलब्ध आज विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा 12,000 से अधिक 18 वर्ष से कम उम्र में उपचार ले पा रहे हैं और उनको गोद लिया गया। ये आप ही की प्रेरणा से हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी, सभी जनपदों में उपस्थित सभी अधिकारीगण, अन्य महानुभाव, उत्तर प्रदेश ने TB हारेगा देश जीतेगा का अभियान का शुभारंभ आज से शुरू कर रहे हैं और पूरा 10 दिन सभी जनपदों में गांव-गांव तक हमारी टीमें पहुंचेगी और वहां TB पेशेंट को निकालेंगे और जांच भी साथ साथ में करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही अभिनंदन करती हूँ क्योंकि जब तक हम अभियान नहीं चलाते, सभी को इसमें जोड़ते नहीं है और परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री ने तो 2018 में कहा
कि 2025 तक यूपी को या पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाना है। अभी 2025 को भारत को यूपी को टीबी मुक्त बनाना है। आंगनवाड़ी में भी बच्चे आते हैं तो वहां भी उम्र के हिसाब से आप देखिए कितने बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। तो आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो क्या आंगनवाड़ी वर्कर को पता है कि ये दो बच्चे टीबी वाले हैं, एचआईवी वाले हैं या तो कुपोषण वाले हैं। प्राइमरी स्कूल को शिक्षक को पता होना चाहिए, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को पता होना चाहिए, कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के प्रिंसिपल को भी पता होना चाहिए। तो इसकी और ये ध्यान रखेगा, कई वीक में एक बार अपनी ऑफिस में बुलाकर उसको जरा पूछेगा, दवाई लेते हो नहीं, वो खाते हो नहीं। तो ये जो भूख मिलती है बच्चों को, कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, तो उसको जरा अच्छा लगता है, परिवार को भी अच्छा लगता है। तो एक तो ये भी करने की आवश्यकता है कि टीचर्स को भी ये पता होना चाहिए कि स्कूल में इतने बच्चे हमारे टीबी वाले हैं। अभी यूनिवर्सिटियों को और कॉलेजों को मैंने ये कहा है कि आपको भी ये दायित्व उठाना है, और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों को 5 का गोद लेने के लिए कहा है। गोद लेने का मतलब वो ही है जिसमें ये ऐड किया गया है कि कक्षा वाले बच्चे हैं तो गोद लेना है, कुपोषित बच्चे हैं तो उसके और काम करना है, स्वच्छता की ओर ध्यान देना है, वो हम लोगों ने किया है। गांव है, किसान है, बच्चे हैं तो किसानों के बच्चे होंगे, लेकिन किसान अपना काम करता है घर में, वो बच्चा एचआईवी वाला है या तो घर वाला है उनको पता नहीं। और इसी वजह से मेरा तो जहां भी जाना होता है तो किसानों के बीच में भी मैं टीवी में बात करती हूँ कि आप देखिए अपने बच्चे तो टीवी वाले नहीं है ना, बाजार में जाकर सब बेचते तो हो, सब्जी बेच लेते हो, लेकिन घर में खिलाते हो, खाते हो, जरा देखिए अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। मित्र जो 500 रुपया हम देते हैं, अभी मुझे बताया गया कि 2018 से 500 रुपया परिवार को दिया है। अभी एक जांच ये करनी चाहिए कि क्या बैंक में से विड्रॉ किया है पैसे, और विड्रॉ किया है तो बच्चे के लिए क्या लाते हो, क्या खिलाते हो बच्चों को। यदि अच्छी तरह से ये 500 रुपया का उपयोग होगा, होता रहेगा, तो हमें जल्दी परिणाम मिलेगा मित्रों। और दूसरा ये काम करना चाहिए 2018 से एक साल के बाद जितने परिवार को आपने 500 रुपए दिए, एक तो वे लोगों ने विड्रॉ किया, और किया तो उसके घर में जो बेटी या बेटा था उसका परिणाम क्या आया, क्या वो टीबी में से मुक्त हो गए ना या नहीं हुआ है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पैसे दे दिए, एक बैंक अकाउंट में हो गया जमा, लेकिन बाद में क्या किया। इसी तरह हम प्रेग्नेंट वुमन को भी 5,000 रुपया देते हैं, लेकिन पता ही नहीं है इसका उपयोग किस तरह होता है, प्रेग्नेंट वुमन इसका उपयोग करती है, पति उसको ये पैसे लेकर देता है, कुछ बाजार में से लाकर खिलाता है, नहीं खिलाता है, ये तो कुपोषण रहेगा ही नहीं। जब राज्य और केंद्र सरकार इतना खर्च करती है तो परिणाम तो नहीं मिलता है, परिणाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमें करना है वो हमारे यहाँ से नहीं होता है। और ये जिम्मेवारी सीडीपीओ सुपरवाइजर की, उनको बताना पड़ेगा परिवार को घर में जाकर कि ये लाइए बैंक में से, और उसको फ्रूट्स खिलाइए, उसको दूध खिलाइए, सब करवाइए, तो परिणाम मिलेगा, कुपोषण कम होगा और बच्चों की देख भी कम हो जाएगी। दूसरा है कि हमारे मंत्री जी ने भी प्रधानों को इकट्ठा करके उनको भी ये जानकारी दी है, और ये पूरा एक अभियान चलेगा, तो गांव भाव प्रधान वगैरह को तो पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ये कहूंगी कि ये गांव में मान लो कि 10 बच्चे हैं, तो गांव के प्रधान को इसकी जिम्मेवारी देना चाहिए कि भाई इसकी जिम्मेवारी आपकी है,
बच्चे कुपोषण में से बाहर निकलना चाहिए, टीवी में से बाहर निकलना चाहिए, उसको 500 रुपया मिलता है तो उसके परिवार को बुलाइए और कहिए भाई इसे ये लाइए, फ्रूट लाइए, वो खिलाइए, वो खिलाइए। और एक एक गांव पूरा अपना अपनी जिम्मेवारी लेगा काम की तो जल्दी से पर्याप्त प्राप्त हो सकता है। और इसी वजह से गांव स्वस्थ हो, गांव स्वच्छ हो और गांव समृद्ध हो। जब समृद्धि कब आएगी? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो अच्छी तरह से काम करेगा। व्यक्ति स्वस्थ कब होगा? कि गांव स्वच्छ होगा, पानी स्वच्छ होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा, खाना पीना स्वच्छ होगा और पोषित होगा तो स्वच्छ होगा, तो स्वस्थ होगा और समृद्धि आएगी। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं हमारे हेल्थ विभाग को इतना कहना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी मुहिम चलाओ, मेरा गांव स्वस्थ गांव, मेरा गांव स्वच्छ गांव और मेरा गांव समृद्ध गांव। और जो गांव एक साल में टीबी मुक्त हो जाता है, कुपोषण मुक्त हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, 100% डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होती है, डेथ रेट कम होता है बच्चों का, ऐसे कोई नियम बनाकर गांव को इनाम अवार्ड, जब हम कई लोगों को अवार्ड देते हैं, किसान को अवार्ड देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, सबको अवार्ड देते हैं, बच्चों के लिए इतना काम करते हैं कि पहली कक्षा में दाखिल होगे तो 1000 रुपया मिलेगा, वो रसीकरण पूरा करेगा तो 1000 रुपया मिलेगा, तो इसके साथ वो भी जोड़ देना चाहिए कि प्रधान को एक साल में इस गांव को स्वस्थ स्वच्छ समृद्ध बनाएगा तो हम उसको 1 लाख रुपया या तो 5 लाख रुपया का अवार्ड देंगे। तो एक ऐसी मुहिम भी चलाने की जरूरत है, प्रेरणा प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ हम देंगे तो परिणाम मिलेगा मित्रों।